वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम स्नेहा द्विवेदी और आज की वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14। तो डोंट वरी, हम लोग को बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज का मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, पूरे चैप्टर का। आप चाहे उसमें से ढूंढ के फटाफट से ये वीडियोस देख सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन देखने, इससे पहले के क्वेश्चन, इससे बाद सारे मैंने एक प्ले लिस्ट में डाला हुआ है चैप्टर 5 का। उसको आप फटाफट से उस चैप्टर 5 का प्ले लिस्ट को ओपन करिए, वहां से आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हमेशा मैंने कहा क्वेश्चन को फोकस करिए, आंसर को नहीं। क्वेश्चन फोकस करेंगे, आंसर अपने आप आएगा। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ फोर लाई बिटवीन 10 and 250। ये बोला है 4 के मल्टीपल्स बोल दिया और क्या लिमिट बता दी है 10 से लेकर 250 तक के, वो 4 के मल्टीपल्स होने चाहिए। सबसे पहले मैंने बताया था कि हम सबसे पहले एपी क्रिएट करते हैं, तो 4 के मल्टीपल से कहां से स्टार्ट करना है, 10 से। 10 के 4 का मल्टीपल है नो, 11 है नो, 12 है यस, तो हम 12 को ले लेंगे। इसके बाद क्या होगा 4 का मल्टीपल, 12 के बाद 16 होगा, 4 ऐड कर देंगे, 16 के बाद क्या होगा 20 होगा, डॉट 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 अप टू लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग लास्ट टर्म चेक करेंगे, 250 मतलब 250 क्या 4 का मल्टीपल है, तो लेट इट चेक कर लेते हैं 4 से डिवाइड करके। 4 6 24 आया 10, जो कि नहीं है 10 का मल्टीपल, वो 4 का मल्टीपल। अब 250 से कम जाएंगे, 249, आई डोंट थिंक कि ये भी होगा, 248 चेक करेंगे, अकॉर्डिंग टू मी यस इट विल बी। तो यहाँ क्या होगा 4 6 24, 0 हो गया, आगे 8 4 2 8, तो ये है 2 का 4 का मल्टीपल, तो लास्ट टर्म हमारे क्या आ जाएगी 248। आपको ए मिल गया 12, डी आपको मिल गया 4, राइट, और ए एन लास्ट टर्म मिल गया 248। अब हमें बोला है हाउ मैनी मतलब कितने, तो नंबर्स, तो मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, एन निकालना है, तो हम फटाफट से ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी करेंगे। ए एन हमें पता है 248, और ए हमारा हो जाएगा 12 प्लस एन माइनस वन, डी इज 4, तो 248 ये यहाँ आ जाएगा माइनस 12 इज इक्वल टू 4n-4, राइट, तो 248-12 इज 6 3 236 प्लस 4 इज इक्वल टू 4n, तो 240 इज इक्वल टू 4n, राइट। हमें क्या निकालना है n की वैल्यू, तो 240 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू n, 4 6 तो n इज इक्वल टू 60। तो कितने मल्टीपल्स है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन दिस, कितने मल्टीपल्स लाई करते, 60। आई होप आपको समझ में आया। विद इन हमने 4 मिनट से वीडियो को कंप्लीट कर दिया, 3 मिनट में ही हमने खत्म कर दिया क्वेश्चन, 3 मिनट से भी कम लगेगा अगर आपको समझ में आ जाएगा तो, राइट। और मैं तो थोड़ा बोलना भी होता है मुझे, इस वजह से 3 मिनट तक गया, अदरवाइज इतना भी नहीं लगता, राइट। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिए, शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा वीडियोज मेरी देखी जाएंगी, और एक यूट्यूबर के लिए इससे बड़ी सक्सेस और कोई नहीं होती है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू।